Vandana, happy birthday. Hi. Thank you so much, Ishita. Thanks a lot, yaar. This is a small gift for you. Wow. तुम्हें कैसे पता मुझे चॉकलेट्स चाहिए थी? थैंक यू सो मच यार, यू आर अ ब्लेसिंग. लव यू. लव यू टू. गाइस, अभी आपने देखा कि कैसे इशिता ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने उसको क्या बोला, यार इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें कैसे पता मुझे ये गिफ्ट चाहिए था. हिंदी में तो हम बोल लेते हैं, लेकिन क्यों ना आज इंग्लिश में ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस सीखे. चाहे कोई मैरिज फंक्शन हो, चाहे कोई एंगेजमेंट हो, चाहे कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई भी ओकेजन हो, तो क्यों ना इंग्लिश में हम सीखे कि कैसे उस गिफ्ट के लिए आभार प्रकट करना है, कैसे उसके लिए धन्यवाद करना है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंद कोच. मैं हूँ वंदना और आज इस वीडियो लेसन में जानते हैं कि अगर कोई आपको गिफ्ट देता है तो उसके लिए आप कैसे शुक्रिया कर सकते हैं. लेट्स लर्न सम सेंटेंसेस टू अप्रिशिएट समवन फॉर देयर गिफ्ट. किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, आप अंदर ही अंदर तो बहुत खुश हो रहे हैं, अरे वाह कितना प्यारा गिफ्ट है, ले लूँ, लेकिन ऊपर ऊपर से बोलना पड़ता है ना, फॉर्मेलिटी दिखानी होती है, अरे क्या ज़रूरत थी इस गिफ्ट की, क्यों लाए तुम इतना महंगा गिफ्ट. तो आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, थैंक यू, देयर वॉज नो नीड फॉर दिस, शुक्रिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. किसी ने आपको एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस दी है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप बोल सकते हैं, आई कांट थैंक यू इनफ फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, इस तोहफे के लिए मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूँ उतना ही कम है, आपको वो तोहफा बहुत दिल से चाहिए था और किसी ने आपको वही तोहफा दे दिया, तो आप इंग्लिश में कह रहे हैं, आई कांट थैंक यू इनफ फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, मैं जितना तुम्हें शुक्रिया करूं उतना ही कम है. किसी ने कोई गिफ्ट दिया जो आपको बहुत पसंद है, तो आप बोल सकते हैं, थैंक यू वेरी मच, या फिर थैंक यू सो मच, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. सपोज कीजिए किसी ने आपको कार दी है गिफ्ट में, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, दिल से आप इतने ज़्यादा खुश हुए इस गिफ्ट को पाकर कि आप दिल से उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल की गहराइयों से तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ, या फिर मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. सपोज मुझे चॉकलेट्स बहुत ही ज्यादा पसंद है और कोई मुझे गिफ्ट में चॉकलेट दे देता है, तो मैं कितनी ज्यादा खुश हो जाऊंगी ना. जैसे अभी इशिता ने मुझे चॉकलेट गिफ्ट की थी, तो मैंने उसको बोला था ना कि तुमने मेरा दिमाग पढ़ लिया क्या, तुम्हें कैसे पता कि मुझे यही गिफ्ट चाहिए था. तो अगर आप किसी से बोलना चाहते हैं कि तुमने मेरा दिमाग पढ़ लिया, तुम्हें कैसे पता मुझे यही गिफ्ट चाहिए था, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू मस्ट हैव रेड माई माइंड बिकॉज योर गिफ्ट इज एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड. तुमने जरूर मेरा दिमाग पढ़ा होगा क्योंकि तुम्हारा गिफ्ट बिल्कुल वही है जो मुझे चाहिए था. किसी ने आपको शूज गिफ्ट करे और आपको बिल्कुल वैसे ही शूज चाहिए थे, तो आप बोल सकते हैं, यू मस्ट हैव रेड माई माइंड, तुमने जरूर मेरा दिमाग पढ़ा होगा, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड, ये बिल्कुल वही है जो मुझे चाहिए था. आप किसी को बोलना चाहते हैं कि तुम्हारा गिफ्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बोलना पड़ता है ना, दूसरे व्यक्ति को जताना पड़ता है कि तुम्हारा गिफ्ट मायने रखता है मेरे लिए, अगर नहीं जताएंगे तो अगली बार से गिफ्ट नहीं देगा, तो जताना तो पड़ेगा ना कि यार तुम मायने रखते हो मेरे लिए, तुम्हारा गिफ्ट मायने रखता है. इसलिए आप बोल सकते हैं, योर गिफ्ट मीन्स अ लॉट, तुम्हारा उपहार बहुत मायने रखता है. आपके बॉस ने आपको गिफ्ट करा, आपकी कलीग ने आपको गिफ्ट करा, आप उनको जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपका गिफ्ट बहुत मायने रखता है, तो आप बोल सकते हैं, योर गिफ्ट मीन्स अ लॉट, तुम्हारा गिफ्ट बहुत मायने रखता है. किसी ने आपको इतना अच्छा गिफ्ट दिया तो हम बोल देते ना, यू आर द बेस्ट, तुम सबसे अच्छे हो यार, यू आर द बेस्ट, तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, यू आर द बेस्ट. आपके दोस्त या पेरेंट्स या कोई भी हो जो आपको बहुत अच्छे से जानता है और जो आपको चाहिए हो वही दे देता है गिफ्ट में, तो आप कहते हो ना, मुझे इतने अच्छे से जानने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर नोइंग मी सो वेल, मुझे इतने अच्छे से जानने के लिए शुक्रिया, मुझे जो चाहिए था तुमने मुझे वही दे दिया गिफ्ट में, तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो, थैंक यू फॉर नोइंग मी सो वेल, मुझे इतने अच्छे से जानने के लिए शुक्रिया. किसी ने आपको रिंग दी, बहुत ही प्यारी रिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा गिफ्ट है, तो आप बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर द लवली गिफ्ट, इतने प्यारे गिफ्ट के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द लवली गिफ्ट. किसी ने आपको साड़ी गिफ्ट में दी और वो इतनी प्यारी साड़ी है कि आप बोलना चाहते हैं कि तुमने मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट चुना है, यू पिक्ड द बेस्ट गिफ्ट फॉर मी, तुमने मेरे लिए सबसे अच्छा उपहार चुना है,
यू पिक्ड द परफेक्ट गिफ्ट फॉर मी। तो हमने जाना कि कोई आपको गिफ्ट करता है तो कैसे हम उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। किसी ने आपको थैंक यू बोला और आप बोलना चाहते हैं, थैंक यू की कोई आवश्यकता नहीं है, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप बोल सकते हैं डोंट मैंशन इट, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहना चाहते हैं ये कम से कम है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं इट्स द लीस्ट आई कुड डू, ये कम से कम है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। आई होप गाइज यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हिंट कोच। थैंक यू।